हेलो दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि टाटा टिगोर ईवी लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्री बुकिंग भी चालू हो चुकी है। तो अगर आप इसकी प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ev.tatamotors.com के ऊपर जाके इसकी बुकिंग कर सकते हैं। वैसे इसकी प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन मेरे को इसकी स्पेसिफिकेशन मालूम है। लेकिन आज स्पेसिफिकेशन की बात ना करते हुए इसकी मैं चार्जिंग की बात करूँगा। चार्जिंग में आप जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको CCS2 स्टैंडर्ड की चार्जिंग देखने को मिलती है। तो ये क्या होती है, तो मैं आज आपको वो बताने वाला हूँ। तो इसके बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भैया इसके अंदर ये चीज़ दी गई है, इसका मतलब होता क्या है। तो ये CCS चार्जिंग है, जो चार्जिंग सिस्टम है उसका जो फुल फॉर्म आता है वो होता है कम्बाइंड चार्जिंग सिस्टम, यानी कम्बाइंड चार्जिंग सिस्टम। से इसका मतलब है कि आपको इसके अंदर कम्बाइंड चार्जिंग सिस्टम मिलने वाला है, यानी इसको आप AC पावर सप्लाई से भी चार्ज कर सकते हैं और DC पावर सप्लाई से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया कम्बाइंड चार्जिंग सिस्टम। और जो ये टेक्नोलॉजी है कम्बाइंड चार्जिंग सिस्टम इज स्टैंडर्ड फॉर ऑल चार्जिंग व्हीकल्स, यानी सभी स्टैंडर्ड है ये सभी चार्जिंग व्हीकल्स के। और ख़ासतौर पर टाटा तो अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यही चार्जिंग सिस्टम देता है। उसके अलावा जो ये है, ये दो तरीके के चार्जिंग सिस्टम होते हैं। जो CCS टाइप का जो चार्जिंग सिस्टम होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है CCS1 और एक होता है CCS2। तो आपको जितनी भी टाटा व्हीकल्स देखने को मिलेंगी उसमें आपको CCS2 टाइप का चार्जिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये नीचे रहते हैं आपके DC सॉकेट्स रहते हैं और ऊपर रहते हैं आपके AC सॉकेट्स, यानी AC करंट यहाँ पे आता है और ये DC करंट के लिए आपको यहाँ दिया जाता है। और जो ये CCS2 टाइप के जो चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं ये आपके DC को भी सपोर्ट करते हैं, फर्स्ट वन फेज AC करंट को भी सपोर्ट करते हैं, ऑल्सो एज वेल एज ये थ्री फेज AC करंट को भी आपकी सपोर्ट करते हैं। यानी आप ये तीनों तरीके से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और साथ साथ ये ग्लोबल ही वी गेस दैट कि ग्लोबली इसे भी एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी सभी आने वाले टाइम में सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको इसी तरीके के चार्जिंग सॉकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कुछ इस तरीके के रहेंगे। ये देखिए, ये CCS1 है और ये CCS2 है। तो आपको आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके के चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें बीच में शायद अर्थिंग रहता है CCS टाइप में। ये दोनों DC है और यहाँ के ये है पूरा AC वेंट, AC टाइप का सप्लाई वाला ये है। उसके अलावा इन फ्यूचर सभी में आपको लगभग CCS2 ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों तरीके से कंपेटेबल होते हैं और वर्ल्ड वाइड भी आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो टेस्ला कंपनी है, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेस्ला इलेक्ट्रिक मोटर कंपनी है, वो भी आपको CCS2 के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और जो ये CCS2 प्रकार की जो चार्जिंग होती है ना, जो CCS2 सिस्टम है जो नया आया है, वो आपका ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। और साथ साथ ये स्लो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आप जाएंगे तो आपके घर में आपकी स्लो चार्जिंग होती है तो उस स्लो चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा, और आप बाहर जाएंगे तो आपकी ये बाहर में फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगा। वैसे आपको स्टैंडर्ड वाला ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे USA और जापान में कौन सा है, यूरोप में आपका कौन सा है, और USA जापान यूरोप में कौन सा एक्सेप्टेबल है, चाइना में इस तरीके का एक्सेप्टेबल है। तो ये सब तरीके अलग अलग तरीके के चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स होते हैं। और हमारे इंडिया में इस टाइम जो टाटा दे रहा है वो ये कॉम्बो 2 दे रहा है, जिसमें आपका AC और DC दोनों ही सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती है, क्योंकि अगर इस तरीके के चार्जिंग मिलते हैं तो हम 60 मिनट में लगभग 80% गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। और साथ साथ और जो टाटा ने जो काम किया है वो फ्यूचर को देखते हुए किया है, इसलिए उसने CCS2 का यूज़ किया है इन सब चीज़ों में। तो काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल है और काफ़ी आगे तक ये टेक्नोलॉजी जाने वाली है। CCS2 टेक्नोलॉजी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है, तो इसलिए ये सब चीज़ों को दिया जाता है। और टेस्ला भी आने वाले टाइम में आपको CCS2 ही उसमें भी देखने को मिलेगा, इंडिया की वेरिएंट में। तो टेस्ला में आपको, टाटा मोटर्स में और बाकी सभी में आपको CCS2 देखने को मिलेगा आने वाले समय में। और चार्जिंग काफ़ी फास्ट और काफ़ी कन्वीनियंस हो जाएगी सभी के लिए, और घर के लिए भी स्टैंडर्ड चार्जर का भी यूज़ आप उसके अंदर कर सकते हैं, आप फास्ट चार्जिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी CCS2 के साथ। तो वैसे तो टाटा आपकी दे ही रहा है CCS2, और बाकी व्हीकल्स भी धीरे धीरे जैसे इवॉल्व होता जाएगा CCS2 ही आएगा। हो सकता है आने वाले टाइम के साथ CCS3 भी आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है वो काफ़ी बढ़िया है, और आप चाहे तो इस टेक्नोलॉजी के साथ भी जा सकते हैं। तो पहले एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, CCS2 का फुल फॉर्म है कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम। और ये आपको दो टाइप के चार्जिंग सिस्टम मिलते हैं, जिसमें आपका CCS1 होता है और CCS2 होता है। CCS1 आपका सिर्फ AC चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं आपका CCS2 आपका AC और DC दोनों को भी सपोर्ट करता है। और जो CCS2 है वो यूनिवर्सल है, जिसके अंदर आप DC सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं, वन फेज AC सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज
थ्री फेस एसी सप्लाई को भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मेरा यही मानना है कि CCS2 टेक्नोलॉजी अभी सभी गाड़ियों पर आना चाहिए, और साथ साथ वर्ल्ड लार्जेस्ट टेस्ला व्हीकल्स इलेक्ट्रिक गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला, वो भी आपको CCS2 ही देने वाली है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय, सी यू।